फिर है शल्तालू वाले शरबत और फिर है रूह अफ़ज़ा। कैसे हैं आप लोग? तो नाज़रीन ग्रामी भाई, आज का सीन भाई कुछ इस तरह है कि भाई आपके भाई ने जो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि आपके भाई ने जो करियर लिया था, भाई जो आपके भाई ने करियर लिया था, तो वो आज आपके भाई को मतलब काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना भाई पे वो करियर लगा। तो भाई साहब अभी इस वक्त जाबित को मैंने खाने वाने दिए हुए और उसको बोले कि भाई तू काम स्टार्ट कर, मैं आ रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि उसको कर के आ रहे थे। वाह 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 वाह, जाविद भाई निकाल लिया तूने पहले वाला? ये टूटा हुआ था यार। नहीं, बन गया काम या बिगड़ गया? टूटा हुआ था, निकाल दिया। अबे साले ये क्या किया तूने? क्या हुआ? क्या हुआ? अबे तेरे को मैंने बनाने का बोला था, ये क्या है? ये तो यूं ढल जाएगा यार। तो तूने बता दिया वरना मैं तो बोल्ट ऐड करने वाला था। अबे दिखाई नहीं दे रहा ना, एक बंदा था ना अकेला था। चेक कर जाबुद भाई, जाबुद भाई खानू से कैश निकला है और फिर निकले गए ना जब मेहनत करेंगे तो। और फिर ये बंदा कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। खानू क्यों मजाक करता है यार तू? बचपन से ये मजाक करता हुआ आ रहा है भाई। एक नट कम है यार, एक बोल्ट भाई। कैसा कम है? ये रहा ना, ये पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है, चौके चौके नो पर खाना लेकर आए भाई साहब। क्योंकि किसी मरीज के दांत भी नहीं निकले। बोल किसको रहा है? हाँ अच्छा अच्छा, बुखार है। ईद के लिए गाड़ी बनवा दे सही है। बस वही तो कर रहा हूँ ना, लगा हुआ हूँ इंशाल्लाह से। तो अब इंशाल्लाह बांटेंगे, सबको बांटेंगे भाई, सब अफ्तारी करो, बांटेंगे भाई साहब, बांटेंगे। अच्छा अब इंशाल्लाह देखेंगे ना, अब गाड़ी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये सही नहीं कर सकता था ना ये चरा चरा भाई, ये तेरा काम नहीं था यार। ये तो गधा क्या जाने इंसान का खुराक है। मैंने वो सुना था कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तूने कुछ नया बना लिया। हानू क्या कर रहा है यार? ये पेट हो गया, ये वाला हो गया। जबरदस्त यार, जबरदस्त। आई द नेक्स्ट डे कम बैक हो गया आप सबका एनदर डे के अंदर। अच्छा चल, वैसे ये बता कि अभी जाना क्या है, क्या प्लान है? अभी जाना है व्यूअर्स के कहने पे, इनकी फरमाइश थी कि आप लोगों को संडे बाजार जाना है, संडे बाजार में सस्ते चीजें देखने। संडे बाजार क्या? संडे बाजार की तो तुम लोगों ने क्या क्या संडे बाजार? संडे बाजार में क्या कर रहे भाई? यहाँ सस्ते चीजें मिलती है, हम बार बार दिखाएंगे सस्ते चीज, जुगाड़ वाली चीजें। तो फिर चलो ना यार, तुम रमजानों में गेम खेल रहे हो यार, ये तो गलत बात है। गेम हम क्यों खेल रहे थे? तूने कब का बोला था कि मैं उधर आ रहा हूँ, तू आया? चलो 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 यार, निकलते हैं यार। चलो यार, बाइक भी हमारी रेडी है, तो चलो निकलें। खानू निकलो, खान को भाई रोजा लगा है अभी से। तबीयत खराब है या रोजा लगा है? भाई बच्चे की गैरत देखो, ये बोल रहा था कि तुम्हारा रोजा है तो मैं भी गुल्ली डंडा नहीं खाऊंगा। ये देखो भाई, बच्चे ने गुल्ली डंडा गिरा दिया। क्या कह रहे थे तुम? ये शर्मा रहे वैसे, पर ये कह रहे थे कि तुम्हारा रोजा है तो मैं भी नहीं खा रहा हूँ। ये ले खा ले, शर्मा रहे। तुम्हें क्या तकलीफ है यार? तुम क्या गुर कर रहे हो यार? क्यों शोर कर रहे हैं यार? लाल भाई क्या कहना चाह रहे हो? रोजा कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है रोजा? ठीक है भाई लोग, आप समझ रहे हो कि ड्राइवर बंदा बीच में क्यों बैठा हुआ है? आपको काफी समझ लेना चाहिए। अच्छा उसको रोजा लग गया भाई? ना कि कुछ है नहीं, तो बाकी आप समझ जाओ। तो मैं और खान जो है ना, हमारा जेब थोड़ा भरा हुआ है, मतलब पेट्रोल खान डाल रहा है, तभी इस जगह ये बीच में बनी हुई है। ठीक है भाई? भाई मेरी बाइक तकरीबन 70,000 रुपए वाली बाइक जो है, 70-80 से कुछ नहीं होता। ठीक है ना? और अगर जेब में पैसे हो तो समझ है, 100 रुपए नहीं, 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो तो क्या मतलब यार? साले ने बेईमानी कर दी हमारे साथ। खुद वो देखो वहाँ पे उतरा हुआ है, बाइक से उतर के ना वहाँ पे सामने जाके खड़ा हो गया, पेट्रोल हमें ही डालना पड़ा। ये तो बहुत गलत बात है यार।
क्या नहीं बोला तो पेट्रोल कौन डालता है? पेट्रोल जाबित भाई, जाबित भाई और खान भाई। तो फिर उतर क्यों गए थे पानी से पहले? पानी की वजह से उतरना पड़ा। पानी था। देखो भाई रोजा है, ठीक है सबका रोजा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको शर्म आया ही नहीं है। ये देखो भाई दबा के जिनकी दाढ़ियां भी दबा के पी रहे, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, खुले आम है, ठीक है मुस्लिम कंट्री और ये लोग यहाँ पर शरबतें पी रहे जा रहे। शक मुस्लिम है लेकिन कराची में आपको पता है हिंदू भी रहते हैं। बात तो सही है। मतलब ये रमजान चल रहे हैं क्या है? मजाक है यार, इधर हलीम बेच रहे हैं लोग, भाई ने बोला यहाँ पर गाने पीने के यार। भाई साहब वो थोड़ा सलाम करते मुसलमानों को, अल्लाह माफ करे यार जाने के साथ। क्या लिया है तुमने जाबित भाई? ये कागज क्या क्या मतलब है इसका? क्या है ये बना के देखा? ये तो कोई भी कर लेगा यार, ये मुश्किल थोड़ी है यार। तू बना के देखा? मैं बना के देखा। नहीं नहीं सबर करना पहले एक मिनट। चल बना के देखा। अबे तू छोड़ यार, तू मुझे बार बार चल तू बना के देखा। ले ले ले। इस बंदे ने हमारा काफी टाइम खराब किया है, अभी देखो इसके साथ में क्या। चलो भाई देखो अब। जाबित भाई चप्पल कितने का है? चप्पल मजबूत हो जाएगा। पिछले एक घंटे से ये यहीं पे। 2000 years later. Finally friends, दो तीन घंटे गुजारने के बाद भाई 100-100 रुपए की शॉपिंग की हम सब ने। मैंने 2000 रुपए की किए भाई ने। पूछा मैंने कुछ? और अभी चलते हैं भाई द्वार बाजार को, वो मतलब कुछ अफतारी के लिए फ्रूट फ्रूट लेने चलते हैं वहाँ पर। फिर सीधा जाके वहाँ पर जाके क्या इशारे करें? सीधा जाके वहाँ पर मिलते हैं, बस सीधा जाके ना, समझ रहे? 2 hours later. फ्रेंड्स हम शॉपिंग करके वापस आ गए थे और अभी इस वक्त टाइम मतलब अफ्तारी में चंद ही मिनट रहते हैं, मतलब आधा ही घंटा रहता है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले भाई तैयारी करनी है। तो यहाँ पे फ्रूट फ्रूट पड़े हैं तो इसको भाई काटना है, तो चलो भाई जल्दी से। तो भाई साहब अभी हम यूँ करते हैं कि भाई स्ट्रॉबेरी को हम अलग कर लेते हैं। भाई साहब अफ्तारी में हमारे पास शरबत दो दो किस्म के मौजूद हैं और यहाँ पर रेडी हो रहे हैं भाई गर्मा गर्म पकौड़े। जल्दी जल्दी से तैयार कर लो यार, टाइम बहुत कम है हमारे पास। लिक्विड में हमारे पास मौजूद है तीन आइटम। सबसे पहले पर है भाई पानी, ठीक है, फिर है शलतालू वाले शरबत और फिर है अजान की दे रहे बस। फिर देखो रूह अफ़ज़े में और आलू बुखारे वाले में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके देखो ये है रूह अफ़ज़ा, ठीक है। अब रूह अफ़ज़े वाले बर्तन को आप आवाज निकालोगे तो वो इस तरह से आवाज निकालते हैं, और ये है आलू बुखारा, और इसके बर्तन से आवाज़ निकालोगे तो वो इस तरह से निकालते हैं, और सादा पानी वाले से आवाज़ निकालोगे तो वो इस तरह निकालते हैं। है ना फर्क? है ना बड़ा फर्क है ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ओके
ओके गाइस, तो यही पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करने लगा हूँ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी से लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।